हम लोग ये भूल गए थे कि एक माउंट है जो बाइक के लिए आया हुआ है। तो जब कल हम राइड पे जा रहे हैं तो मे बी कुछ शॉट रिकॉर्ड करने के अच्छे से काम आएगा, इसलिए हम इसको भी यूज में ले लेते हैं। तो इसको माउंट करके देखते हैं। ये आप भी, मुझे नहीं पता एंगल सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट ट्राई करते हैं कि अच्छा है एंगल। ये आई थिंक यहाँ माउंट हो सकता है हैंडल के साइड में, तो देखते हैं। पहले इसको लूज कर लेते हैं, तो काफ़ी लूज हो गया। जोर लगा के इसको टाइट कर दिया, तो हमें नहीं पता इसको कैसे भी आया कैसे नहीं आया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब भी मेरी तरह अच्छे ही होंगे। तो आज हम जा रहे हैं अभी फिलहाल अपनी स्कॉर्पियो की वॉशिंग करवाने के लिए। ये अभी हम सलासर जो टूर पे गए थे उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो इसलिए सोचा कि चलो आज इसकी वॉशिंग करवा लेते हैं। फिर कल का कुछ एक और अलग प्लान है। तो अभी हम बाइक की वॉशिंग भी करवा के लेके आए थे, बाइक में चार्जर भी लगवा के लेके आए थे,
तो मैं प्लान कर रहा हूँ कल सोलो राइड पे जाने का, जो कि मेरी पहली राइड होगी, फर्स्ट राइड होगी, जो सोनीपत से लेके वृंदावन तक होगी, मथुरा वृंदावन गोवर्धन, 2 दिन की राइड रहेगी। तो सोलो रहूँगा मैं, तो आप सभी लोग जुड़े रहिएगा और आपको आई होप मज़ा भी आएगा। अभी जस्ट ये एक स्टार्टअप है, तो आई डोंट नो कि भाई कैसे क्या होता है, मतलब कंटेंट ढूंढने पड़ेंगे, बनाएंगे, कोशिश करेंगे, अच्छे बनेंगे, और आपको नई नई जगह का एडवेंचर भी करवाएंगे। स्पेशली आप सब लोग देखते ही होंगे, जो बड़े बड़े यूट्यूबर वगैरह हैं, वो जो बड़े बड़ी जगह हैं वो तो कवर कर लेते हैं, लेकिन जो छोटी जगह है, मतलब जो अपने आसपास का एरिया है, उसको कवर नहीं करते वो लोग। तो मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जो अपना बेस है वो मैं क्या कि भी छोटी सी जगह से ही स्टार्ट करते हैं, और क्यों ना कान्हा जी की नगरी से ही स्टार्ट किया जाए, हम लोग कान्हा जी के भक्त हैं, तो हमने सोचा कि भाई चलो वहीं से स्टार्टअप कर लेते हैं। तो इसलिए आप कल कब आप जुड़े रहिएगा, और अभी आपको जस्ट दिखाते हैं वो सीन। अभी हम लोग हैं सोनीपत में, ये अपने जस्ट सामने है कोई विक्रम पैलेस करके, तो अभी हमें लेना यहाँ से राइट, और राइट लेते ही आ जाएगा अपना सर्विस स्टेशन, जहाँ पे अभी अभी हम बाइक को वॉश करवा के लेके गए थे। इसमें पैसे पहले से भी पेंडिंग है, तो इसलिए सोचा कि चलो इससे ही वॉश करवा लेते हैं। और ये लीजिए आ गया ये सर्विस स्टेशन, आँखों ही आँखों में टाइम लगेगा। इतनी गाड़ी हो रखी है, देखो इतनी गंदी, हर जगह डस्ट ही डस्ट, डस्ट ही डस्ट। पूरी गंदी हो रखी है, तो अब हम आपको दिखाएंगे। तो अभी होगी अपनी गाड़ी वॉश, और हम जा रहे हैं अपना वापिस सेक्टर 14 की तरफ। तो पहले एक बार थोड़ा सा हवा चेक करवा लेते हैं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कम है हवा। कहाँ गए भैया, स्टेपनी में चेक करनी है बस यार, नहीं हो पाएगा। चलो कोई नहीं, तो हम लोग स्टेपनी में करवा रहे थे वह, तो भैया मना कर रहे हैं कि स्टेपनी में नहीं हो पाएगा। चलो कोई बात नहीं भाई, नहीं हो पाएगा तो हम चलते हैं, निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर, देखते हैं और दिखाते हैं आपको भी। यहाँ पे ये वन वे रोड है,
घर पे गाड़ी को कर दिया पार्क हमने, और अभी बनाएंगे हम कल जाने का प्लान कि किस टाइम निकलना है, कैसे निकलना है, क्या चीज़ लेके जानी है साथ में और क्या नहीं। तो देखिए मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है वीडियो बनाने के बारे में या कुछ भी, बस ये है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ और मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो आप सभी भी मुझे प्लीज़ सपोर्ट करना और अपना प्यार हमेशा देते रहना, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं और भी थोड़ा सा मतलब मोटिवेट होके और अच्छी वीडियो बनाऊं। अभी जस्ट एक स्टार्टिंग है तो यही है कि भाई हाँ मैं ट्राई करूँगा अच्छी बनाने की। बाकी चलो टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय।